कोतवाली पुलिस सेनाध्यक्ष बिमलेश कुमार सिंह की निगरानी में छावनी में तब्दील रहा क्रय विक्रय संघ प्रांगण। वही कड़वे इंचार्ज जितेन सिंह ने किसी भी अराजक तत्व एवं किसी परिंदा को पर नहीं मारने दिया। वही हल्की फुल्की कहा सुनी के बीच चुनाव प्रक्रिया निर्वाच संपन्न हुआ। वही आपको बताते चले कि उमरी से रविन्द्र गोहन से सौरभ हरौली से सुमंत वेतन भोगी समिति से राम आश्रय निर्वाचित हुए संचालक। माधवगढ़ क्रय विक्रय सहकारी समिति की परिसर में बुधवार को उमरी सहकारी समिति अतुल कुमार को 3 मत, किरत सिंह को 5 और सर्वाधिक 10 मत रविंद्र कुमार को मिले। सर्वाधिक मत पाने वाले रविंद्र कुमार को विजय घोषित किया गया। गोहन सहकारी समिति अनोज कुमार को 5 मत, सौरभ सिंह को 6 मत और एक वोटर ने मतदान ही नहीं किया। सौरभ सिंह को 1 मत से विजयी हासिल हुई। हरौली सहकारी समिति की किरण देवी को 4 मत और सुमन देवी कैलोर माताजी एवं विनय प्रताप सिंह राजावत प्रधान प्रतिनिधि को 6 मत तथा 2 मत अनबैलेट हो गए। सुमन देवी कैलोरी माताजी विनय प्रताप सिंह राजावत प्रधान प्रतिनिधि को विजयी घोषित किया गया। वेतनभोगी समिति चंद्रप्रकाश वर्मा को 2 मत और राम आश्रय को 8 मत मिले। राम आश्रय को 6 मतों से विजयी घोषित किया गया। बताते चले कि पर्चा दाखिल करने के समय 4 संचालक के पदों के ऐसे दावेदार थे जिनके सामने कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। वही आगे चलकर पर्चों की जांच हुई और आवेदन वापसी के दिन और उम्मीदवारों ने भी पर्चे उठा लिए। कुल मिलाकर बिना चुनाव के 7 संचालक निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए, तो वही 4 को चुनाव जीतने पर विजयी घोषित किया गया। इस मौके पर निर्वाचन अधिकारी सूर्यचंद निषाद, सहायक निर्वाचन अधिकारी मनीष आर्या, सचिव चिनुवाद पाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्रभारी निरीक्षक बिमलेश कुमार, कस्बा इंचार्ज, उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह सहित अन्य पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मौजूद रहा।